वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोटिवेशन गाइस, और लुक एट द फोटो फर्स्ट। इस फोटोग्राफ को पहले देख लीजिए। इस फोटोग्राफ के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ये फोटोग्राफ आपको बता रहा है कि कैसे एक ही फ्रेम के अंदर आपको सन भी दिखाई दे रहा है, आपको मून भी दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस, इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो बड़ी खतरनाक है। वो बड़ी ऐसी है कि आप जब उसको सुनेंगे तो सोचेंगे कि एक फोटो के लिए इतनी मेहनत। असल में होता क्या है, जब तक हम किसी चीज को पूरे मन से चाहेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज को पूरे मन से करने की कोशिश करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, आपके जल्दबाजी करने से किसी पेड़ के ऊपर फल नहीं लगेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इस फोटोग्राफर का कहना है कि ये फोटो लेने के लिए वो डेली जाता, वो वेट करता, वो इस फ्रेम का वेट करता कि कब ऐसा हो कि सन और मून जो है वो इस तरीके से एक फ्रेम के अंदर आ सके। तो 6-7-8-10 महीने लगातार इस जगह पर बैठने के बाद वो इस फोटो को ले पाया। सेम चीजें हमारे साथ भी होती हैं। हम हारते कब हैं? अब अगर मैं बात करूं तो हम हारते कब हैं गाइस? हम हारते तब है जब हम हार मानते हैं। दुनिया में हार जीत जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया में केवल एक ही चीज होती है, वो होती है आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका प्रयास, आपका जुनून, आपका जज्बा। अब आप किस हद तक जाकर के अपनी उस चीज को जो आपने आपने देखा है, इसका सपना देखा आपने, जो आप चाहते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज आपको मिलेगी या फिर आपको नहीं मिलेगी। देखिए, इस धरती से इंसान चांद के ऊपर जा चुका है। आई थिंक जमीन पर रहकर के कोई काम करना इतना मुश्किल तो नहीं होगा जितना मुश्किल जमीन से उड़ करके चांद पे जाना। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूंगा तो किसी भी चीज को अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना चाहिए, किसी भी चीज से हमें घबराना नहीं चाहिए, किसी भी सर्कमस्टांस से हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप डर मानते हैं तभी आपकी हार होती है। जिस दिन आप डर जाते हैं, समझ लीजिए हार आपकी उसी दिन होती है। हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर इंसान के जीवन में सेपरेशन आता है, सब चीज आती है। हर कामयाब इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। हर कामयाब कहानी के पीछे अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा कितना खून पसीना जो है वो बहाया गया है। इतना आसान नहीं होता है। हाँ, किसी किसी की किस्मत होती भी है, जिसको कि कुर्सी मिलती है बनी बनाई, उन लोगों की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप रियलिटी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, रियलिटी में आप वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं जिस सक्सेस की लाइफ बहुत लंबी हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपने आपको मोटिवेटेड करना होगा और बहुत ज्यादा जुनून आपको दिखाना होगा। तब जाकर के आपको वो सक्सेस मिलेगी गाइज, जो सक्सेस आप डिजर्व भी करते हैं और जो सक्सेस जिसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। क्योंकि आनंद फानंद में जो सक्सेस मिलती है उसकी लाइफ भी छोटी होती है। तो हमें चाहिए कैसी सक्सेस? जो आप जिंदगी भर जिसका फ्रूट आप चख सके, जिसको देखकर के आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें। वो सक्सेस नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको बना बनाया काम दे दिया, आप जाकर के इसको संभाले, नहीं, दैट इज नॉट सक्सेस। वो आपको भीख मिली है, वो आपको खैरात मिली है, वो आपको चलाने के लिए काम चला चलाया मिला है। सक्सेस किसको बोलते हैं? जब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं कि ही इज माय फादर और उन्होंने इतना किया है, लेकिन मैं उसको एक्सपेंशन में लेकर के जा रहा हूं, दैट इज द रियल सक्सेस। और उसको हासिल करने के लिए ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है। आपको पेशेंस भी रखना होता है गाइस, आपको मेहनत भी करनी होती है, आपको लेबर भी करनी होती है, आपको जुनूनियत के साथ हार्डवर्क भी करना होता है और आपको वेट भी करना होता है सही समय का। क्योंकि सही समय पर सही एफर्ट जब आप करेंगे प्रॉपरली वेट करके, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आई होप ये चीज आपके काम आएंगी, आप इनको फॉलो करेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने टीचर्स, आपके पेरेंट्स या जो भी आपके साथ जुड़े हुए, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको प्राउड फील कराएंगे। थैंक यू।